क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो साथ ही साथ सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो आपने एक नोट्स बना के रखा है दोस्तों यही सब नोट्स में रहने वाला है जस्ट वो डिटेल में रहेगा तो प्लीज ये वीडियोस को भी हल्के में मतलब जब आप वीडियोस देखने बैठोगे ना तो प्लीज अपनी नोटबुक अपने पास रखो कैलसी साथ में रखो ताकि हम लोग एक साथ एक साथ मिलकर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके ठीक है दोस्तों तो जो होमवर्क था उसको भी मैं सॉल्व करूंगी टेंशन लेने की कोई बात है नहीं क्योंकि अब हम जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ देखने जा रहे हैं दैट इज अबाउट लैमिस 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 अब ये क्या है Lamis बोलो Lammy बोलो लामी इट्स ओके इस तरह प्रोनाउंस करो कि आप उसको एग्जामिनेशन में लिख सको ठीक है अभी जो लैमिस थ्योरम है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जहां पे हमें एक पॉइंट से तीन कंकरेंट फोर्सेस आते हुए दिखे क्या कहा मैंने बच्चों थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है जहां से एक पॉइंट से तीन कॉनकरेंट फोर्सेस आते हुए दिखे अब इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसमें क्या था सारे कंकरेंट फोर्सेस थे राइट right? लैंप लटकी हुई थी एंड उसको फिर ऊपर से दो साइड से अटैच किया हुआ था है ना तो ये सारे कंकरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस थे तो हम उसको क्या करते थे एंगल कैलकुलेट करते थे एंगल कैलकुलेट करने के बाद कितने टेंशन लग रहे हैं स्ट्रिंग में कितना फोर्स लग रहा है वेट कितना है वो सब एक साथ कंसिडर करके कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के हम वैल्यूज कैलकुलेट करते थे राइट ला थ्योरम में क्या करना रहता है उसका स्टेटमेंट आप यहां देख सकते हो दैट इज इफ थ्री कॉन फोर्सेस व्हाट दोस्तों तीन कॉन फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम देन ईज प्रपोर्शनल क्या कह रहा है ये सारे एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस इन द सेंस प्लीज लुक एट योर देखो यहाँ पे पी एक फोर्स है क्यू एक फोर्स है एंड आर एक फोर्स है राइट अल्फा रिप्रेजेंटेशन देखिए ऐसे क्या है बीटा एंड गैमा ये तीनों एंगल्स बन रहे तीनों फोर्सेस के बीच में तो हमारा थ्योरम क्या कहता है लैमिस थ्योरम कि ये जो फोर्सेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टू तो द साइन ऑफ एंगल दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस मतलब ये जो दो दूसरे फोर्सेस है ना इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसके साइन को इक्वल होगा राइट दैट इज पी अपॉन साइन अल्फा क्योंकि कैसा फिर एक एंगल बन जाता है पी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा एंड इट इज अगेन इक्वल टू आर अपॉन साइन ये तीनों को वो इक्वल हो जाता है राइट ये तीनों एक दूसरे को इक्वल हो जाता है अब ये तो हमने देख लिया कि ये किस तरह होता है राइट अभी देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या मतलब ये आया कहाँ से सी दोस्तों अगर ये तीनों फोर्सेस को मैं थोड़ा अरेंज करूँ, थोड़ा सा अरेंज करती हूँ ताकि ये एक ट्राइंगल में आ जाए तो किस तरह आएंगे क्यू ऐसे जा रहा है Q को ऐसे जाने देते है. R नीचे की तरफ है ये Q वेक्टर है ना R नीचे की तरफ है तो मैं यहां से R को नीचे की तरफ ले लेती हूँ ठीक है एंड पी ऐसे जा रहा है थोड़ा सा और डिक्लिनेशन uh, देंगे दोस्तों ताकि वो थोड़ा सा बेटर दिखे ओके सो दिस इज माय पी अब देखो दोस्तों पी और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है बीटा मतलब आर का जो लाइन है दैट इज नीचे की तरफ तो वो कितना एंगल बना रहे है दोस्तों इधर बीटा तो इधर कितना एंगल बनाएगा दोस्तों माइनस बीटा राइट right? ये इधर बीटा था ये आर का यही लाइन है वो इधर बीटा बना रहा है ठीक है नाउ कंसिडर क्यू क्यू कितना एंगल बना रहा है दोस्तों गामा और वो किसके साथ बना रहा है ये इसके साथ तो ये हो गया गामा अंदर क्या हो जाएगा फिर ये दोस्तों 180 गामा राइट right? अब पी किधर है पी इधर है इस डायरेक्शन में है ना दोस्तों अब पी कितना एंगल बना रहा है वो कैसे चेक करेंगे हम जस्ट ध्यान दे दो सी अभी हमने यहाँ पे ये बीटा कंसीडर कर लिया ये वाला पी के साथ क्यू जो था वो गामा बना रहा है वो कंसीडर कर लिया राइट right? अब अल्फा कैसे कंसीडर करना है वो थोड़ा सा सोचने वाला बात है बट निकालना जो है अल्फा को कैसे locate करेंगे अल्फा है दोस्तो? यहां है दोस्तों right? इसको थोड़ा सा कर देंगे क्यों क्योंकि क्यू और किसके बीच में बन रहा है और आर मतलब के बीच में कौन सा एंगल है दोस्तों अल्फा तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस अल्फा है ना एक और बार देख ले क्या बोला मैंने सी इसको फिर से मैं मिटा देती हूँ फिर से बना लेंगे सबसे पहले हमने क्यू लिया डॉटेड कर दो दोस्तों क्योंकि हमने उसको शिफ्टिंग करे राइट आर यहाँ नीचे की तरफ है तो मैं क्यू से नीचे की तरफ कर देती हूँ आर डॉटेड कर दो एंड इससे पी की पी इस तरफ है मतलब मैं आर से पी कर देती हूँ नाम दे दो फटाफट दोस्तों ठीक है पहले मैंने ये सारा अरेंजमेंट कर लिया रोज भी दिखा दिए कौन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है नाउ अब हम एंगल्स दिखाते हैं पी और आर के बीच में कौन बन रहा है बीटा मतलब तो तो पी और आर के बीच में जो इधर बीटा बन रहा था वो अंदर क्या हो गया दोस्तों 180 माइनस बीटा यू और आर के बीच में कौन बन रहा है अल्फा अंदर क्या हो गया 180 माइनस अल्फा एंड पी और आर के बीच में क्या बन रहा था दोस्तों आपका पी और क्यू सॉरी पी और आर तो हो गया पी और क्यू के बीच में गामा है ना तो गामा का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अंदर 180 एटी गामा है ना अब हम क्या करेंगे जो भी हमने कंसेप्ट सीखा था साइड के सामने वाला एंगल वो आपने अपने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में सीखा होगा साइन का थ्योरम वो कैसे होता था पी पहले ले लेते पी साइन वन एटी अल्फा आप वन एटी को पाई लिखते थे आई होप आपको याद हो नहीं याद है तो आप प्लीज ये याद रखो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है प्रूफ नहीं पूछा जाता है आपको सिर्फ से पूछा जाता है ठीक है साइन वन एटी माइनस बीटा और इक्वल टू आर साइन वन एटी माइनस गामा ठीक है तो ये आपको बस कंसेप्ट याद रखना है कि आपको ये वाला पैटर्न में जाना है एंड इसको जब आप रिजोल्व करोगे तो अब आपका तो ये बन जाएगा ठीक है तो आपको सिर्फ याद जो रखनी है वो ये चीज है तो ना आप लोग बोलोगे दीदी वो ट्राइंगल कैसे आया ये कैसे आया वो सब याद रखने की जरूरत नहीं जो चीज है वो यही है वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा वेरी बेस्ट नहीं समझा रिप्ले करके देखो एक बार आराम से समझ जाएगा कुछ है नहीं वो बस ये सारे इसको शिफ्टिंग करके एक साथ कैसे लगाए हैं जहां पे एरो खत्म हो रहा है वहां पे दूसरे का टेल शुरू होगा है ना उस तरह अरेंज किया उसको ठीक है इतना ही है दोस्तों नाउ लेट लेटे गो टू इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि एक्चुअल हमें देखना है ये याद करने के बाद ये कंसेप्ट समझने के बाद जो एक्चुअल इसका एप्लीकेशन है वो देखना है लेटेस्ट लुक एट वन न्यूमेरिकल तो आपके सामने न्यूमेरिकल है अगेन लैम वाला बट यहां पर जो है वो हमें यूज करेंगे लैमिस थ्योरम आप रेजोल्यूशन भी कर सकते हो बट हम लैमिस थेरम यूज करें क्योंकि एक पढ़ा है तो लेट एस अप्लाई दैट ठीक है लैमिस में क्या चाहिए हमारे क्या रहता है हमारे पास तीन फोर्सेस रहते हैं और तीन एंगल रहते हैं अल्फा बीटा और गामा और उनका साइन वैल्यू रहता है राइट ये चीज आपको क्लियर है ओके तो अभी क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एम एन एंड ओवेन एम एन और ओवेन का स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है इफ़ बल्ब इज फिफ्टी के जी बल्ब का वेट कितना है दोस्तों फिफ्टी केजी क्या वो वेट है नो no. तो बल्ब का सबसे पहले जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे का वेट कैसे आएगा दोस्तों? कितना आता है फटाफट अपनी कैलसी निकाल के सॉल्व करो तो कैलसी खोल लेते हैं ओके okay. क्या हमें देखना है फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई नाइन पॉइंट एट नाइनटी ओके okay. तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे बस कंफर्म कर रही हूं मैं ओके ठीक है ये हो गया अभी ये किस किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों न्यूटन मतलब वेट जो है वो आपका न्यूटन में मिल गया अब सबसे पहले इसका हम एफ बी डी बना लेते दोस्तों. क्या बनाएंगे सबसे पहले एफ बी डी ठीक है नाउ पॉइंट एन एन पॉइंट से तीन कंकरेंट फोर्स है एक ये वाली स्ट्रिंग है एनओ NO स्ट्रिंग या फिर ओ एन स्ट्रिंग एक ये वाली स्ट्रिंग है और एक नीचे की तरफ वेट है ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग समझ गया ये आपको इतना क्लियर हो गया ओके okay. अभी हमें क्या निकालना है ये 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 एंगल दिया हुआ है दैट डिग्री ये तो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है अब बाकी के ये दोनों एंगल कैसे निकालोगे आप है ना बाकी के आप ये दोनों एंगल कैसे निकालोगे ये नाइन्टी हो गया ये दोनों कैसे निकालोगे तो उसको निकालने के लिए हम हमारा मेन फिगर देखते हैं मेन फिगर में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों ये जो दिवाल है वो पैरल है एनपी को ये क्लियर हो गया ये जो दिवाल है वो पैरल है एनपी को तो अगर दो लाइन है और जो पैरल उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है क्या बोला मैंने दोस्तों दो लाइन है अब ये दिवाल का लाइन हो गया ये हमारा वो हो गया और उसके बीच में कैसी लाइन है कनेक्टिंग ट्रांसवर्सल जिसको हम बोलते हैं उसका अगर आपको एक एंगल पता है सिक्सटी डिग्री तो दूसरा कितना होगा दोस्तों ऑब्वियसली वन एटी माइनस सिक्सटी कोई मुझे रीजन बता सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स का पेयर है कौन सा पेयर है दोस्तों इंटीरियर एंगल बेसिक मैथमेटिक्स है नहीं समझा तो यही समझ लो जब दो लाइन पैरल होती है और एक ट्रांसवर्सल होता है तब आप एक एंगल से दूसरा एंगल कैसे निकाल सकते हो एक 60 होगा तो एक 180 एट्टी माइनस सिक्सटी होगा ओके आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो तो ये कितना आ गया दोस्तों आपका वन ट्वेंटी ठीक है तो ये वन ट्वेंटी आ गया इधर हमने लिख दिया नेक्स्ट कौन सा एंगल बचा दोस्तों ये वाला है ना अब वो एंगल कैसे निकालेंगे ये नाइनटी है ये वन सिक्सटी है वन ट्वेंटी है सॉरी आपको तो पता ही है क्या पता है कि पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री होता है पूरा एंगल कितना होगा दोस्तों ये पूरा एंगल थ्री सिक्सटी डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कैसे मिलेगा तो ये मिलेगा 360 में से सबसे पहले हम 120 को माइनस कर देंगे फिर 90 को माइनस कर देंगे है ना और इसको माइनस करते हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा चलो फटाफट कर देते हैं 360 सिक्सटी माइनस वन माइनस नाइनटी कितना आ गया 150। ओके तो ये कितना आ गया दोस्तों 150। तो ये वाला एंगल भी हमें मिल गया दैट इज 150 डिग्री है ना अब हमने हमारे लैमिस थ्योरम के लिए जो जरूरी था एंगल वो तो कैलकुलेट कर लिया आई होप आपने ये सब लिख लिया हो ठीक है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया अब हमें सिर्फ नोटेशन देना है ये वाला स्ट्रिंग में क्या रहने वाला है दोस्तों टेंशन तो वो टेंशन का नाम मैं टी एम एन दे देती ये वाले स्ट्रिंग में क्या रहने वाला अगेन टेंशन टेंशन ओ एन दे देती हूँ ओके एंड अब हमारा एफबीडी इज टोटली कंप्लीट आप देख सकते हो यहां से यहां का एंगल यहां से यहां का एंगल आपको पता है यहां से यहां का एंगल पता है आपको यहां से यहाँ का एंगल पता है तो सारा एंगल आपको पता चल चुका है किस तरह निकाला आपने वो भी देखा अब हमें क्या करना है यूजिंग लैमिस थ्योरम डायरेक्टली है ना तो चलो फटाफट स्टेटमेंट लिख देते थे यूजिंग अब इसमें क्या होगा कि जो भी तीन फोर्सेस हैं हमारे पास सिर्फ तीन ही फोर्सेस के लिए यूज होता है ये तो जो भी तीन कंकरेंट फोर्सेस हैं हमारे पास एम एन एन ओ एन वो प्रोपोर्शनल है उनके सामने वाले एंगल को तो टी एम एन के सामने कौन सा एंगल है ये नाइन्टी डिग्री तो साइन नाइनटी फिर ओ एन के सामने कौन सा एंगल है दोस्तों वन ट्वेंटी डिग्री है ना एंड कौन सा एक चीज हमेशा याद रखना वो कौन सी चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है पॉइंट से या तो सारे फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए या तो सारे फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए ये हमेशा याद रखना कि पॉइंट से सारे फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में हो या तो सारे के सारे फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में हो ओके अभी हम चले आगे कैलकुलेट करें हमारा पार्ट अब यहाँ पे हमारे पास क्या-क्या अननोन है टीएमएन अननोन है और टीएन तो इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान दे दो दोस्तों एक बार एक बार टीएमएन अपॉन साइन 90 इक्वल टू जो नोन है नोन क्या है दोस्तों 490 अपॉन sin 150 ये लेना है एक बार आपको दोस्तों नेक्स्ट आपको और एक कौन सा जोड़ी लेना है टी ओ एन अपॉन साइन वन ट्वेंटी अपॉन साइन वन फिफ्टी ओके एक बार ये लेके सॉल्व करना एक बार ये अब ये सॉल्व कैसे करोगे सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैल्सिम में डायरेक्टली पुट करके कैसे सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो देखो जो अननोन था वो क्या था दोस्तों tmn तो उसको हम x ले लेते हैं ठीक है तो दोनों साइड क्या था दोस्तों सबसे पहले एनालाइज कर लो दोनों साइड आपके पास फ्रैक्शन है इस साइड में आपके पास फ्रैक्शन है इस साइड में आपके पास फ्रैक्शन है तो उसको चलो कैंसिल में पहले फ्रैक्शन ले ले फ्रैक्शन ऊपर क्या है अननोन अननोन मतलब x अल्फा x ले लिया नीचे क्या था दोस्तों sin ऑफ एंगल कौन सा एंगल था एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है फिर इक्वल टू अल्फा इक्वल टू लेना होगा फिर से फ्रैक्शन है बट फ्रैक्शन का ऊपर का नोन है दैट इज 490 और नीचे की तरफ क्या है दोस्तों आपके पास साइन ऑफ 490 के सामने कौन सा था 150 है ना अब आपको ये अननोन मिल जाएगा शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू दैट इज 980 कितना है दोस्तों आपको 980 उसी तरह टी ओ एन भी निकाल ले फटाक से इस साइड का तो सेम रहने वाला है तो सिर्फ चेंज कौन सा होने वाला है इस साइड का ऊपर का तो अननोन है बस ये एंगल को चेंज कर दो 90 की जगह 120 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू तो ये हो गया 848.70 कितना है दोस्तों 848.70 न्यूटन ठीक है आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो ये वाला न्यूमेरिकल इधर खत्म होता है आप सब देख सकते हो जो टेंशन आया दैट इज 980 इस डायरेक्शन में 848 इस डायरेक्शन में ओके तो इसका सब स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज अपने बुक में इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो ओके तो वो कंसेप्ट जो था आई होप आपको क्लियर हो अगर ये 60 है तो ये 180 एट्टी माइनस सिक्सटी क्यू है बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर बोलो इंटीरियर बोलो एक ही बात है बट वही कंसेप्ट जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल मूव टू आर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की शुरुआत करें ओके तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है टू इक्वल लोड्स क्या बोले दोस्तों टू इक्वल लोड्स कितना है हंड्रेड न्यूटन मतलब ये जो आपको लटके हुए दो दिख रहे हैं ना जो क्रॉस वाले ये आपके लोड्स हैं और इनका वेट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दोस्तों वेट दिया हुआ है अगर यहाँ पे केजी रहता तो मास दिया हुआ रहता बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है न्यूटन यानी कि वेट दिया हुआ है दोस्तों आप यूनिट से ही पहचान सकते हो कि आपको क्या क्वांटिटी दी गई है तो ये हंड्रेड न्यूटन का हो गया मैंने ये भी न्यूटन का हो गया, राइट? सपोर्टेड बाय अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है उससे उसका सपोर्ट दिया हुआ है पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस स्ट्रिंग का नाम है एंड क्या बोला है क्यू और आर पॉइंट पे दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए दोस्तों ठीक है Portion, PQ, QR, आपको PQ, और RS, ये तीन टेंशन, तो टेंशन अप्लाई करूंगी तो इस पॉइंट में करूंगी इस पॉइंट में करूंगी अगर इधर करूंगी तो इसका क्या होगा ऐसे दस सवाल आ रहे हैं है ना तो इसके लिए जो मैं आपको स्टेप्स बोलूंगी प्लीज वो याद रखो ऐसे चाहिए एक ऐसे दो बॉडी कनेक्टेड आए आपको आने वाले आगे टाइप्स टू बॉडीज कनेक्टेड थ्री बॉडीज कनेक्टेड फोर बॉडीज कनेक्टेड कितने भी बॉडीज कनेक्टेड रहने दो दोस्तों व्हाट इज द कांसेप्ट वो एक ही है क्या कि आप जब एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हो तो बाकी सबको एक पूरा यूनिट समझो एक पूरा कंबाइंड यूनिट समझो अगर आपने q पॉइंट कंसीडर किया है तो ये पूरा एक ही समझो इसको अपने दिमाग में अलग मत रखो फिर जब आप q का fbd बना लोगे सॉल्व कर लोगे इक्वेशन बना लोगे देन नेक्स्ट स्टेप में आपको आर का निकालना है आर का जब आप निकालने जाओगे तो आर को एक पॉइंट समझो ये पूरा एक ही बॉडी यूनिट समझो एंड इसका एफ निकाल लो फिर उसका इक्वेशन आ जाएगा देन दोनों इक्वेशन का एनालिसिस करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो ठीक है बक करने से अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले दोस्तों एक मिनट मैं ये डायग्राम छोटा कर देती हूँ ताकि हम दोनों डायग्राम बना सके हमारे बोर्ड पे है ना सबसे पहले हमें Q पॉइंट लेती हूँ दोस्तों Q मुझे क्या निकालना है टेंशन निकालना है पी क्यू क्यू आर आर एस ठीक है अभी ये मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि Q पे जो भी फोर्स है वो पूरा एक ही है मतलब इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स आपको दिख रहा है वो पूरा एक ही है मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये जितना भी फोर्स इसकी वजह से फील करेगा वो फोर्स इधर स्ट्रिंग पर भी उतना ही रहेगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों टी ऑफ क्यू आर ओके टेंशन इन स्ट्रिंग क्यू आर आर पूरा फोर्स लेके रखा है उधर तो इसके लिए टेंशन इन क्यू आर ये हमारा फर्स्ट ऐसा एनालिसिस करेंगे देन ऊपर की तरफ टेंशन इन पी क्यू देन नीचे की तरफ क्या है दोस्तों आपका लोड दैट इज हंड्रेड न्यूटन ठीक है एफबीडी कंप्लीट हो गया हमारा नहीं एक बार चेक कर लो आपके पास सारे फोर्सेस है तीन वन टू थ्री थ्री फोर्सेस डन एंगल है आपके पास नहीं एंगल नहीं है और एक चीज चेक करना है क्या डायरेक्शन सेम है सारे फोर्सेस वही पॉइंट से निकल रहे हैं ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फोर्स निकल रहा है तो दूसरा वाला अंदर की तरफ जा रहा है वो पॉइंट की तरफ जा रहा है ऐसा नहीं कंसिडर करना है. इसके लिए ये ध्यान देना कि जो भी आप कंसिडर करो उसमें सारे फोर्सेस पॉइंट की तरफ या फिर पॉइंट के बाहर हो तो यहाँ तो तीनों बाहर है। ओके चलो एंगल निकाल ले अभी तो आपको पता चल गया होगा अगर ये सिक्सटी है तो ये कितना होने वाला है सेम वो पिछले बार की तरह डिग्री है ना बाकी इधर को एंगल आपको पता है नो no. इधर को एंगल आपको पता है अगेन नो no. तो चलो नाम देके छोड़ दे इसको इसको अल्फा दे देते इसको बीटा दे देते <coughs> <coughs> इसको अल्फा को थोड़ा कलर कर देते क्योंकि वो नोन है हमारे लिए है ना तो ये हो गया हमारा अल्फा ये हो गया हमारा बीटा ठीक है तो इसका रेशियो कैसे बनेगा दोस्तों ओके okay. पहले हम दोनों का एक बीड़ी बना देते वो बनाएंगे बाद में बट लेट अस मेक द बीड़ी ऑफ बोथ द पॉइंट्स ये तो क्यू पॉइंट का हो गया चलो फटाक से आर पॉइंट का एफबीटी बना ले कि पे क्या क्या है क्या क्या फोर्सेस है ठीक है पहले आर पॉइंट लिख दिया मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में आर एस मतलब है उसमें जो टेंशन रहेगा दैट इज अब इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उसको मैं कंबाइन कंसिडर करूंगी ऐसे में अलग अलग नहीं बनाने वाली वहां पे ऐसे ऐसे नो no. हमने क्या अज्यूम किया वो कंबाइंड है तो ये इस डायरेक्शन में है राइट एंड वो कितना है क्यू आर मतलब टेंशन क्यू आर और अब आप, आप बोलोगे दीदी यहाँ पे तो ये बाहर की तरफ आ रहा है तो इधर का टेंशन भी इस साइड जाना चाहिए है ना नो no, दोस्तों आप अज्यूम कर रहे हो तो हमेशा टेंशन को आउटवर्ड अज्यूम करो ठीक है आपके लिए बेटर रहेगा आपका साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा ठीक है कभी भी टेंशन को बाहर की तरफ कंसिडर करो इससे मत क्रॉस चेक करने जाना कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आर में भी ये इस डायरेक्शन में जाएगा नो हमने क्या बोला है ये पूरा एक ही यूनिट है एंड टेंशन हमेशा बाहर की तरफ हमने डिनोट किया है हमेशा इसके लिए यहां भी बाहर की तरफ डिनोट करेंगे ठीक है दोस्तों okay. अब टेंशन बाहर की तरफ और नीचे की तरफ क्या है दोस्तों हंड्रेड तो चलो चेक करें कि एलिजिबल है या नहीं हमारे थ्योरम के लिए सबसे पहले सारे फोर्सेस हैं, सारे मतलब कितने होने चाहिए दोस्तों तीन तो तीन फोर्सेस यस हमारे पास तीन फोर्सेस है सेकंड क्राइटेरिया हमने क्या लिया कि सारे एंगल्स हैं हमारे पास चेक कर लो फटाफट अगर ये थर्टी है तो 180 -30, 150, right? ये कितना होगा वन एटी माइनस थर्टी दैट इज वन फिफ्टी राइट ये थर्टी है दोस्तों तो ये कितना होगा ये हो जाएगा ठीक है एंड नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है दैट इज ये वाला एंगल ये और ये वाला एंगल चेक करो आपके पास है देखो दोस्तों अगर ये थर्टी है तो ये वाला भी थर्टी होगा कोई मुझे बता सकता है क्यों क्योंकि हमें एक चीज पता है ये दिवाल को ना दोस्तों ये जो स्ट्रिंग है वो पैरल है और ये ऊपर भी तो वही स्ट्रिंग है ना तो इस पर तो ये एंगल ये क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट तो अगर ये थर्टी है तो ये भी थर्टी रहेगा ठीक है लेकिन अगर ये थर्टी है तो ये क्या हो जाएगा आपका वन एट्टी माइनस थर्टी इक्वल टू वन फिफ्टी ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपको दोस्तों 120 30. 120 30, कितना होता है दोस्तों ठीक है आई होप कहीं कुछ मिस्टेक ना हुई हो जैसे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सारे एंगल्स करेक्ट यस वन फिफ्टी फिफ्टी ओके दिस इज वन फिफ्टी एन ही वाला कैसे निकालेंगे दोस्तों हमें पता है ये पूरा ये पूरा क्या है दोस्तों एक सर्कल है ना यहाँ से ये ये यहाँ से ऐसे पूरा एक सर्कल है तो पूरा कितना होता है थ्री सिक्सटी तो उसमें से हमें तीन पता है कौन से तीन पता है ये वन फिफ्टी है ये भी वन फिफ्टी इसको निकालना है थ्री सिक्सटी में से दो बार वन फिफ्टी माइनस कर लेंगे ठीक है तो कितना आ जाएगा दोस्तों सिक्सटी डिग्री तो ये कितना आ जाएगा आपका सिक्सटी डिग्री हो गया आपके पास सारे एंगल्स सा आ गए दोस्तों एक बार जस्ट चेक कर लेते कि आपके पास सारे एंगल्स सा आ गए हैं क्या यहाँ से यहाँ यस यहाँ से यहाँ ओके यहाँ से यहाँ सारे एंगल्स आपके पास आ गए तीनों फोर्सेस के बीच के एंगल्स आपको पता है चलो रफ वक और रफ वर्क तक रखो एंड ये अपना क्लियर एफपीडी बन गया ठीक है ये एक्स्ट्रा चीज इरेज कर देते हैं ये सब आप दोस्तों मन में करो ठीक है ये सब अपना रिप्रेजेंटेशन भी मैटर करता है ओके नाउ चले अपना थ्योरम लगाने तो सबसे पहले हम थ्योरम किधर लगाएंगे दोस्तों हमारे ये क्यू पॉइंट वाले एफपी डी पे ठीक है अप्लाइंग थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों थ्योरम कि जो फोर्सेस वो रेश वो प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनल मतलब वो इक्वल है किसको उसके सामने वाले एंगल को सिमिलर फिर टीपी क्यू के सामने कौन है बीटा साइन बीटा हंड्रेड के सामने कौन है साइन अल्फा ओके okay? अब यहाँ पर तो हमें कुछ पता ही नहीं है मतलब जो पता है उसमें अगर मैं ये दोनों का पैर लू दोस्तों ये दोनों का तो इसमें से मुझे तीन अनो है नहीं जा सकते आगे ये दोनों का पैर लू अगेन तीन अनो है नहीं जा सकते आगे तो इससे बेटर हम क्या करेंगे इसका इसका ये निकाल के इतना छोड़ दो ठीक है देन नेक्स्ट स्टेप पे जाओ एंड इसको नंबर दे दो ए दे दो वन दे दो आपकी मर्जी में ए दे रही हूँ ठीक है ये होने के बाद आप नेक्स्ट वाले एफबीडी को सॉल्व करो ये तो होने सर अब उसको करते हैं दोस्तों ये दिमाग में नहीं रखना है कि आपको इसी साइड से जाना है उसी साइड से जाना है नो जस्ट कीप द कंसेप्ट क्लियर क्या आपको रहेगा ना तो आप अप्लाई कर सकते हो अभी अप्लाई करते हैं अप्लाइंग लैमिस थ्योरम एट पॉइंट बच्चों पॉइंट का नाम देते दे बेटर रहेगा हमारे लिए यार हो गया ये एट पॉइंट क्यू हो गया है ना अब यहाँ पे लिखते तीन फोर्सेस कौन कौन से हमारे पास टी आर एस राइट तो TRS उसके सामने कौन सा एंगल है साइन सिक्सटी फिर तो साइन सिक्सटी हंड्रेड हंड्रेड के सामने कौन सा एंगल है दोस्तों वन मतलब साइन वन फिफ्टी अब TQR के सामने कौन सा एंगल है दोस्तों वन फिफ्टी ओके क्लियर है कहीं कोई कंफ्यूजन जो आपको नहीं समझा हो ठीक है अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास है कुछ सॉल्व करने लायक लेट सी ओके इसमें अगर मैं ये दोनों करूं दोस्तों ये दोनों का सबसे पहले जोड़ी टी आर एस अपॉन साइन सिक्सटी इक्वल टू हंड्रेड अपॉन साइन फिफ्टी ये इसमें तो सिर्फ एक ही चीज अन है बाकी तीनों नोन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो टैक्स अपनी कैलसी ओपन करो एक साइड फ्रैक्शन है एक्स एक्स अपॉन साइन कितना था दोस्तों साइन सिक्सटी अल्फा इक्वल टू वेट लेट अस डू अगेन थोड़ा गलत फास्ट कर, मत करो घाई घाई आराम से साइन सिक्सटी ओके इक्वल टू अल्फा इक्वल टू ये और उस साइड क्या है दोस्तों हंड्रेड अपॉन साइन वन फिफ्टी है ना

हंड्रेड अपॉन साइन वन फिफ्टी इक्वल टू टी क्यू आर अपॉन साइन दोस्तों यहाँ भी साइन आएगा हा साइन वन फिफ्टी ठीक है तो कितना आने वाला आपका टी क्यू आर कोई भी देख के बता सकता है टी क्यू आर इज डायरेक्टली हंड्रेड ओके तो आपको टी क्यू आर भी मिल गया आपका दैट इज डायरेक्टली हंड्रेड अब दोस्तों यहाँ पे TQR आर मिला है। तो कहीं टीक्यू आर हम यूज कर सकते हैं yes, यहाँ यूज कर करेंगे तो क्या होगा Let us see. ये दोनों का पैर ले, ले लेते हैं एक साथ TQR आर की वैल्यू कितनी आई हंड्रेड तो हंड्रेड अपॉन साइन वन ट्वेंटी इक्वल टू हंड्रेड अपॉन साइन अल्फा अब हमें अल्फा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा दोस्तों yes यहाँ पे हमें अल्फा भी मिल जाएगा अस कैलकुलेट फटाफट क्या ले लो हंड्रेड अपॉन साइन कितना आया था दोस्तों वो साइन कितना था उधर नीचे की तरफ वन ट्वेंटी तो यहाँ वन ट्वेंटी लेना है ब्रैकेट बन अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू ऑप्शन लेना है कितना है दोस्तों हंड्रेड अपॉन साइन अल्फा अल्फा की जगह एक्स लेंगे जो अनोन रहता है उधर हमें क्या लेना रहता है एक्स इसका कोई भी आंसर देख के बता सकता है बहुत इजी है equal to. Exactly. तो ये अल्फा कितना है दोस्तों आपका वन ट्वेंटी आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है कैलकुलेशन का इतना ये टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं होती है ओके okay? अब नेक्स्ट चीज चेक करते हैं अल्फा आ गया अब हमारे पास क्या अनोन है दोस्तों दीपी क्यू अपॉन इधर तो ऊपर भी अनोन है तो इसके लिए जस्ट वह एक बार अपन डायग्राम पे जाके देखते कि कहीं तो टीपी क्यू साइन बीटा ये दोनों में से एक वैल्यू मिल जाए एक भी वैल्यू मिल गया तो हम इक्वेट करके हमारा अनोन निकाल सकते राइट अब ध्यान दे दो बच्चों यहाँ पे जिस तरह आपने ये कॉन्सेप्ट निकाल के थर्टी निकाला वैसे ही हम यहां पर ये जो हंड्रेड है ये वर्टिकल है मतलब इसको मैं एक्सटेंड तो ये दोस्तों, 60? राइट और अगर ये पैरल है वन ट्वेंटी को है ना दोस्तों ये और ये एक दूसरे को पैरल है तो ये कुछ ऐसा बन रहा है अगर ये वन ट्वेंटी है तो ये कितना हो गया दोस्तों ऑब्वियसली कितना हो गया सिक्सटी राइट right? तो ये हो गया हमारा सिक्सटी तो अल्फा कितना आया दोस्तों आपका सिक्सटी प्लस सिक्सटी तो अल्फा का भी हमें वैल्यू मिल गया है ना बच्चों क्वेश्चन आपको खुद ना हिंट देता जाएगा आपको क्या करना है कैसे कैलकुलेट करना है आप किधर अटक रहे हो सब आपको मिलता जाएगा ठीक है इसलिए मैकेनिक्स बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार, एक बार आप आपने क्वेश्चन से फ्रेंडशिप कर लिए सब्जेक्ट से फ्रेंडशिप कर ली तो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा ठीक है तो चलो अभी ये दोनों को इक्वेट कर ले टी पी क्यू अभी जो अल्फा हमने कैलकुलेट किया दैट इज सिक्सटी प्लस सिक्सटी वन ट्वेंटी हंड्रेड और ये अपॉन साइन वन ट्वेंटी फिर से इधर डिनोमिनेटर सेम हो गया क्योंकि अल्फा में वन ट्वेंटी कट कर पी क्यू कितना आया दोस्तों हंड्रेड ओके आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ में आया हो इफ नहीं समझा है प्लीज लेट मी नो ओके एंड इसका आप चाहिए तो आप स्क्रीन शॉट ले लो कर लो मैं बुक में हम सबसे पहले हमने ये फर्स्ट स्टेप लिखा देन हमने इसको किया सॉल्व स्टेप ये पूरा मिलने के बाद यहाँ पे हमने देखा रे क्यू आर का वैल्यू मिल गया तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना अब आपको समझा क्यू जब कभी भी ऐसा दो लोड़ दिया रहता है ना तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है एक दूसरे से और वो कनेक्शन कैसा है ऐसा है तो आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व में समझ जाना कि कहीं ना कहीं कनेक्शन आने वाला है एंड एकदम प्रॉपरली स्टेप से जाओगे ना कब भी डाउट नहीं आएगा ये मेरी गारंटी न्यूमेरिकल okay? तो पे जाने से पहले आपका होमवर्क है एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो होमवर्क इज सिमिलर दोस्तों जो आपने इसके पहले आपने वो दो लोड वाले सॉल्व किए सॉल्व कीजिए जो आंसर बताते कॉमेंट सेक्शन में डालिए नेक्स्ट लेक्चर में हम होमवर्क वाले न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो इसी के साथ आज का लेक्चर यही एंड करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मजेदार न्यूमेरिकल्स के साथ टेक केयर कीप सॉल्विंग कीप लर्निंग बाय